بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

का पहला ही दिन चांद की आमद से शुरू होता है चांद मुहर्रम हराम का नजर आता है तो बंदा एक तरह से खुशी का इजहार करता है कि इस्लामी साल का पहला महीना है यह दिल में ख्याल आता है और इस ख्याल के साथ साथ जिस चीज़ को हम भूल जाते हैं जो असल में और हकीकत में होना चाहिए उसका ख्याल हम नहीं करते वो ये चीज़ है इस बात पे गौर करना है फिकर करना है कि ये साल जो गुज़र गया हमारा किस तरह गुजरा ये फर्क है मुसलमानों के अंदर और यहूद नसारा के अंदर यहूद नसारा का तरीका ये है अंग्रेजों का तरीका ये है साल गुजर जाने पे खुशी मनाते हैं इस्लाम ने हमें क्या तरीका बताया नबी करीम अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तरीका बताया हम तो मुसलमान हैं हमारी बहुत बड़ी ये कमजोरी है कि हम गैर मुसलिमों का जो तरीका देखते हैं वही अपना लेते हैं अब गैर मुसलम खुशियां मनाते हैं तो हमने भी शुरू कर दी हमारे मुसलमान भी उसी तरह सालगिरह मनाते हैं बड़े बड़े प्रोग्राम और फंक्शन करते हैं और जो भी चीज उनकी देखते हैं वही अपनाते हैं लिबास उनका देखते हैं वो अपनाते हैं तहजीब उनकी देखते हैं वो अपनाते हैं कल्चर उनका देखते हैं तो वो अपनाते हैं बच्चे भी उसी तरह करते हैं बड़े भी उसी तरह करते हैं कभी इस तरफ ध्यान किया कि इस्लाम ने हमें क्या तरीका बताया नबी करीम अलैहि वसल्लम ने क्या तरीका बताया आपने फरमाया कि अपना मुहासबा करो चांद तो नजर आया खुश हो गए देख के कि नया साल है और इससे पहले जो पूरा साल गुजर गया वो कैसे गुजारा गौर किया जाए जिंदगी में से एक साल कम हो गया अब जिंदगी में से एक साल कम हो जाए उस पे खुशी होनी चाहिए या दुख होना चाहिए खुशी की बात तो नहीं है फिर यह गौर करना असल चीज जो देखनी है जो रहमत आलमीन ने अपनी उम्मत को समझाई बात वो ये है कि इसमें यह गौर करो ये फिक्र करो इस साल में कितने नेक आमाल किए अल्लाह के हुक्म को पूरा किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों को आपकी सुन्नतों को आपके अखलाक को आपकी सीरत को आपकी सूरत को अपनाया या नहीं अपनाया उसमें कोई कमी रह गई कोई खामी कोताही रह गई या मुकम्मल तरीके से पूरा साल उसी तरह गुजार लिया जिस तरह अल्लाह का हुक्म था उस साल में नमाजों की पाबंदी हुई कुरान पा की तलावत हुई ज़िक्र अजकार हुआ कारोबार सुन्नत के मुताबिक हुए नबी करीमली वल्लम के मुबारक तरीकों के मुताबिक हुए रात का सोना सुन्नत के मुताबिक था सुबह का उठना सुन्नत के मुताबिक था इन चीजों पे गौर करना है हमारी हर हरकतों सकनात कैसी थी यह नसारा के तर्ज पे थी या नबी करीम वसल्लम के मुबारक तरीके के मुताबिक थी इस गौर जहन में आए दिलो दिमाग के अंदर आए और हकीकत आपको नजर आ जाए अपनी कि मैंने पूरा साल सही गुजारा अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के मुताबिक गुजारा फिर तो अल्लाह का शुक्र अदा कर या अल्लाह ये तेरी तोफीक से हुआ अगर उसमें कोई कमी रह गई नमाजों में कमी रही कुरान पाक की तलावत में कमी रही जिक्र असकार में कमी रही जो पड़ोसियों के हकूक थे उनमें कमी रह गई रिश्तेदारों के जो हकूक थे उनमें कमी रह गई दोस्त अहबाब के जो हकूक थे उनमें कमी रह गई तो फिर इस्तगफार करें तोबा करें अल्लाह से माफ़ी मांगे ये है मुहासबा तोबा ऐसे करनी है कि अल्लाह इस दफा की गलती को तो माफ फरमा दे आइंदा साल जो चांद मैंने ये देख लिया हराम का ये इसकी इब्तदा हो रही है नए साल से मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि आइंदा साल मुझसे कोई कोताही ना हो कोई लफ्जिश ना हो ये अगर आप नियत कर लेंगे तो अल्लाह से दुआ मांगे अल्लाह मेरा काम तो यही था मैंने पक्का इरादा कर लिया है अब तौफीक तूने देनी है अब हिम्मत तूने देनी है चांद देखते वक्त ये आपने मुहासबा करना है और आपने अपने जमीर से पूछना है मेरा ये साल कैसे गुजरा अपने दिल से पूछना है ये दिल ऐसा गवाह है कि जो किसी किस्म की रिश्वत नहीं लेता जो गलत बयानी नहीं करता बंदे को सब कुछ पता होता है तन्हाई में बैठ के जरा गौर करे अपने दिल से पूछे जमीर से पूछे ये ऐसा जज है जो गलत फैसला नहीं करता अगर आपका जमीर आपको मलामत करे तूने बहुत गलत साल गुजारा है तो अल्लाह से माफी मांगो। और अगर जमीर मुतमिन हो जाए जमीर ये फैसला दे दे कि तेरा साल बड़ा अच्छा गुजरा है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो और दुआ करो या अल्लाह आइंदा साल भी इससे बेहतर गुजारने की तोहफी का फरमाना ये काम सबने करना है चांद देखते ही अपना मुहासबा इस तरह करना है मर्दों ने भी करना है मेरी मोहतरम माओ बहनों और बेटियों ने भी करना है सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है सब के लिए है ये पहला काम ये करे ये इतना बड़ा काम है इससे आपको फायदा होगा आप वसल्लम ने फरमाया अपना मुहासबा रोजाना रात को किया करो कि दिन कैसे गुजरा महीना गुजरने के बाद मुहासबा करो और नए साल की इब्तदा से तो अपना मुहासबा करना बहुत जरूरी है इसलिए जैसे ही हराम का चांद नजर आए चांद देखते ही दुआएं मांगे शुक्र अल्लाह का अदा करें कि इस महीने को मेरे लिए मेरे घर वालों के लिए हमारे मुल्क के लिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत के लिए खैर बरकत वाला अमन व सलामती वाला बना दे ये शुक्र अदा करने के बाद अपना मुहासबा करें हमारी वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ वाले बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके अल्लाह आपका और नासर रहे इन फिर किसी नए वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तब तक के लिए इजाज़त दें अमालकम व